आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी कैंपेन मोड में आ चुकी है। यूपी में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने ऐसा रोडमैप तैयार किया है कि हर महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों में दौरे पर रहेंगे। इनमें न केवल जनसभाएं शामिल हैं बल्कि करोड़ों की सौगात भी दी जाएगी। इस दौरान खुद प्रधानमंत्री मोदी 3 से 4 बार यूपी के दौरे पर रहेंगे। उनके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी एड़ी चोटी का जोर लगाते दिखाई देंगे। 12 और 13 नवंबर को अमित शाह वाराणसी में पहले पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर उनका फीडबैक लेंगे और फिर 13 तारीख को सपा के गढ़ आजमगढ़ में जनसभा करने के साथ ही वहां विश्वविद्यालय की सौगात देंगे। वहीं 16 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद पीएम 21 तारीख को राजधानी लखनऊ में आयोजित ऑल इंडिया डीजी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने पहुंचेंगे। 25 नवंबर को प्रदेश के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है, जहां पीएम मोदी शिरकत करेंगे। यही नहीं, 14 नवंबर से भाजपा पूरे प्रदेश में युवोत्थान कार्यक्रम शुरू करने जा रही है, जिसमें केंद्र सरकार के मंत्री, प्रदेश सरकार के मंत्री, तमाम यूथ आइकॉन शामिल होंगे। फिर 15 नवंबर से ही बीजेपी का किसान मोर्चा पूरे प्रदेश में ट्रैक्टर रैली निकालने जा रहा है। वहीं बीजेपी के मुकाबले दूसरे विपक्षी दलों में केवल गिने चुने चेहरे ही दौरे और संभावनाएं कर रहे हैं। विपक्ष की तरफ से केवल अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ही मैदान में अपनी अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं, जबकि बसपा सुप्रीमो अभी शायद चुनाव और करीब आने का इंतजार कर रही हैं।